और देखिए जयपुर में फागोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भी आयोजन हो रहा है। गुलाल गोटे से होली खेल रहे हैं गणपति। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर से, जहां पर बड़ी संख्या के अंदर श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्योंकि मोती डूंगरी मंदिर में भी गुलाल गोटे से होली खेली जा रही है। ऐसे में बड़ी संख्या के अंदर आपको छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष नजर आ रहे होंगे, लंबी लंबी कतारें। क्योंकि देखिए, जब भी बात त्योहार की आती है, सबसे पहले याद किया जाता है गणपति बापा को। और ऐसे में मोती डूंगरी में हर साल इसी तरह से धूम देखने को मिलती है। बड़ी संख्या के अंदर लोग वहां पर पहुंचते हैं और होली का आनंद उठाते हैं। और जयपुर में भी फागोत्सव की धूम जोरों शोरों से नजर आ रही है। और फर्स्ट इंडिया के दर्शकों के लिए ये खास लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप भी घर बैठे गणेश जी के दर्शन कर सके। लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ रही होंगी और हर किसी की इच्छा है कि वो दर्शन करे और इस फागोत्सव में शामिल हो सके। सुबह से ही लोगों में इसी तरह का उत्साह बना हुआ है, उल्लास बना हुआ है। और ऐसे में मंदिर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, खास बात यह है क्योंकि आज जो झांकी सजाई गई है वो वाकई में काफी ज्यादा आकर्षित नजर आ रही है, जो कि लोगों का आकर्षण और भी ज्यादा खींचती हुई नजर आ रही है। अब आप देखेंगे किस तरह से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और फागोत्सव का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। आज भगवान के सुबह पंचामृत अभिषेक था, आज एकादशी पुष्प नक्षत्र है। तत्पश्चात भगवान के मोदक का भोग लगा और भगवान ने साल भर में एक बार ही केसरिया साफा धारण करते हैं, केसरिया पोशाक धारण करते हैं, वो आज धारण कर रखे हैं। फूल बंगले में विराजमान है भगवान और अभी आपके सामने भगवान ने होली खेली है। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।